क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम आगे डिस्कस करते हैं ओजोन का चैप्टर। देखिए आसान सा सवाल है, इजी क्वेश्चन। ओजोन कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ये हम बता चुके हैं आपको, बहुत आपको डिटेल में पढ़ना हो ये भी हमने आपको पढ़ाया था। 20 से 35 किलोमीटर तक ज़्यादा उसका सांद्रण होता है, मतलब संकेंद्रण। इंटेंसिटी ज़्यादा 20 से 35 तक होती है, बाकी ओवरऑल 10 से 50 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। ये सब आसान प्रश्न है, याद रखिएगा। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? देखिए 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, ये दोनों उत्तर आ सकते हैं, बट आप देखिए रेंज कितनी है, 10 से 50। 50 उसकी हाईएस्ट अपर लेवल है, तो 50 के बजाय 20 ही, सब 10 से 50 के बीच में जो आंसर हो लगा दीजिए। ओजोन परत, ये सब बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है। समताप मंडल में, कहीं समताप मंडल लिखा रहता है, कहीं स्ट्रेटोस्फीयर लिखा रहता है। हिंदी में भी देखिए स्ट्रेटोस्फीयर लिखा हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा जानना जरूरी है। आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए क्या सत्य नहीं है? या जहाँ पे क्लोरो आ जाए, क्लोरीन, जहाँ पे क्लोरो आ जाए क्लोरीन, वो समझ लीजिए ओजोन का नुकसान करती है। जिस भी चीज़ में क्लोरीन आ जाए, यह दिमाग में बैठा लीजिए। तो यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। हाँ देखिए, रेफ्रिजरेशन में ये यूज़ होता था, इसलिए तो इसमें प्रॉब्लम इतना शुरू हुआ रेफ्रिजरेटर्स में। तो रेफ्रिजरेटर मतलब प्रशीतक, जहाँ भी ठंडा करना हो। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। देखिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ये करती है। समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, तो डायरेक्टली सबको पता है। निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, ऐसा नहीं है। देखिए एक निचले वायुमंडल मतलब जो ट्रोपोस्फियर होता है, वहाँ पर क्लोरीन अक्रियाशील है, मतलब क्योंकि उसको वहाँ पे ऑक्सीजन के जो फ्रीलांस सतह हैं वो नहीं मिल पाते, जिससे वो ओजोन का वो मतलब घटाए ओजोन की परत। और दूसरा उसको ओजोन को नुकसान पहुँचाना है ना, तो ओजोन तो आपका निचले लेवल पे होता ही नहीं है ना, ओजोन होता है स्ट्रेटोस्फियर में। तो ये निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये करती है, जीएचजी एमिशन, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, योगदान नहीं देती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, भी आसान सा प्रश्न है। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? जहाँ भी क्लोरीन लिखा आए, जैसे ये सीएफसी क्या है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, आसान सा प्रश्न है। वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? वायु पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है, आसान सा प्रश्न है। ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? देखिए ओजोन द्वारा पराबैंगनी, अवरक्त तो होता है आपका इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड, और पराबैंगनी आपका ये ओजोन रोक लेता है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, बार बार वही प्रश्न आता है। अल्ट्रावायलेट यानी कि अवरक्त, अल्ट्रावायलेट का मतलब पराबैंगनी, सॉरी। ठीक है, वायुमंडल में पराबैंगनी इसको कहते क्यों है? देखिए जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम, वो क्या होता है, विबग्योर। विबग्योर मतलब वायलेट, यानी कि बैंगनी से शुरू होता है, लाल तक उसकी फ्रीक्वेंसी घटते हुए क्रम में आती है। तो जो बैंगनी के ऊपर होगा वो क्या कहलाएगा, पराबैंगनी। बात समझ रहे हैं आप? तो पराबैंगनी यानी बैंगनी के, बैंगनी कलर के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है पर वो पराबैंगनी होगी, तो उन्हीं को वो रोक लेता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? अल्ट्रावायलेट को, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त को नहीं करती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट यानी कि किसको करेगा, पराबैंगनी। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट रेस से। देखिए ये सब एक्सप्लेनेशन आप सेल्फ स्टडी में पढ़ लीजिएगा, वही सब है जो हम बताते हैं आपको। अब इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सक्रिय क्लोरीन क्लोरीन को ओजोन से करेगा, फिर तो क्लोरीन ऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन में तोड़ देगा, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना। ये आईएएस लेवल पे भले कभी पूछ लिया जाए, अदरवाइज ये पूछेगा नहीं, यूपी में तो नहीं पूछता इस तरह से। सूर्य में आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण, देखिए इससे सबसे ज़्यादा स्किन पे ही प्रॉब्लम आता है, याद रखिएगा, अल्ट्रावायलेट रेज से। विश्व ओजोन दिवस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। बार बार ये क्वेश्चन आया, देखिए यूपीपीसीएस प्री में 2014 में, 2015 में पूछा गया, 16 सितंबर, इसको याद रखना है आपको। ओजोन होल का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जहाँ भी क्लोरीन लगा है। सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाए तो बहुत अच्छा है, मान लीजिए
क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ HCFC भी आ जाए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो हाँ ये भी नुकसान करता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये प्रश्न बार बार आता है, याद रखिएगा 16 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन दोनों को गैसों को हटा करके बीच में यूज में लाया गया है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इस ये क्लोरीन ये ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन इसकी साथ प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब करती है हीट को, तो इसको भी ख़त्म करने के लिए, HFC को भी ख़त्म करने के लिए किगाली समिट हुआ है अभी हाल ही में, 1 साल पहले, किगाली अमेंडमेंट, वो हम पढ़ाएंगे आपको। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बार बार वही प्रश्न, 16 सितंबर। कौन सी गैस ओजोन परत के अक्षय के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले ओजोन को प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन होल का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? देखिए, सबसे पहली बार पता लगाया गया था कि जो अर्थ अर्थ की अंटार्कटिका वाले जो पोजीशन है साउथ पोल, वहीं पर ओजोन होल सबसे बड़ा है, अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है? तो इसी के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन होल था, अभी तो खैर कम हो रहा है, बट याद रखिएगा अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहले यहीं पर पता भी लगाया गया था। वायुमंडल निम्न में से किसकी की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का संरक्षण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन, ये हम आपको रटाए हैं खूब। वियना कन्वेंशन, उसी के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 से प्रभावी हुआ हुआ था 1988 में, ठीक है? किससे है ये? ओजोन परत संरक्षण से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्या प्रश्न पूछा है? उत्तरदायी नहीं है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो होता ही है, मेथिल क्लोरोफार्म, अग्निशमन में हेलोन्स और नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये देखिए, ये फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। विलायक रूप में मेथिल क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म में जो क्लोरीन लगा हुआ है ये यूज होता, मतलब ये इसका ओजोन परत को हानि पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, इसको आप यहाँ से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बारे में मुझे बहुत कॉन्सेप्ट पता नहीं है, केमिकल रिएक्शन से पता चलेगा, मुझे केमिस्ट्री उतनी आती भी नहीं है, इसको रट लीजिए, मैंने भी इसको याद ही किया है। हेलोन्स नुकसान पहुँचाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नुकसान पहुँचाते हैं, जो उत्तरदायी हैं वो गैसें आप याद कर लीजिए, CFC, हेलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राईक्लोरोएथिलीन, हेलोन। मे भी मेथिल क्लोरोफॉर्म भी नुकसान पहुंचाता हो, बट इनमें उसकी मात्रा सबसे कम हो, तो आप इतना याद करके रखिए, ठीक है? अब ये क्यों मेथिल क्लोरोफॉर्म नहीं नुकसान पहुंचाता, मुझे भी पता नहीं है इसका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के संरक्षण से। इस तरह के प्रश्न एकाध मैं आपको बताते हूँ ना, एग्जाम में ऐसे टफ क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है आपको, तो बेटर है अगर निगेटिव मार्किंग है तो छोड़ दीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सी ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं हो, क्या लिखा है? निम्न ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? देखिए, ये ऐसा प्रश्न है कि ओजोन का प्रदूषण पूछ रहा है ना, ओजोन का प्रदूषण ट्रोपोस्फेयर में जो होता है O3 बनता है, वो किस गैस से नहीं बनता है, इसका तो बहुत केमिकल आपको रिएक्शन पता हो तभी आप निकाल पाएंगे। बाकी रटने के लिए तो अभी यहाँ रट सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता है वो ओजोन प्रदूषण नहीं करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे निकलता है? जब कार्बन का इम्प्रॉपर कम्बशन हो, मतलब पूरी पूरी तरह से कार्बन का कम्बशन ना हो, तब वहाँ से निकलता है ये, और ये एक जहरीली गैस है, मतलब सांस लेने में समस्या करती है, वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है वो आप पढ़ सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस, ये मुझे कहीं मिला नहीं कि ये कहाँ पर, कभी मिलेगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा उन्होंने कहाँ से ये प्रश्न निकाला है, नहीं समझ में आ रहा मुझे। और आगे बढ़ते हैं, देखिए, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ये सब ऐसे प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। ओजोन कैसे बनता है और ये इसका मतलब अपघटन कैसे होता है, इसके लिए लग रहा है एक लेक्चर लेना पड़ेगा, पढ़ा देंगे आपको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थ के रूप में चर्चित है, उसका प्रयोग सुघट्य फोम के निर्माण में होता है।
अब ये आपको देखिए ट्यूबलेस टायर के निर्माण में होता है। आईएएस में इस तरह का जो प्रश्न होते हैं ना, बहुत टफ टाइप के क्वेश्चन आपको लगेंगे ओजोन से रिलेटेड। ये आपको कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी में एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, मैं उनमें से निकाल करके आपको पढ़ा दूंगा। अगर आप पीसीएस आरओ देने जा रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न को आप स्किप कर सकते हैं, यूपी में इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है, इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है। विशिष्ट सौर मंडली विक्षोभ की उपस्थिति, क्लोरो फ्लोरो कार्बनों का अंतर प्रवाह, ये बात सही हो सकती है क्योंकि क्लोरो फ्लोरो कार्बन तो यूज होते ही हैं। दूसरा विशिष्ट ध्रुवी वाताग्र, हाँ देखिए सबसे पहले यही पता चला था कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ही ओजोन छिद्र का निर्माण ज़्यादा होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से जो पोलर पोलर करंट चलती, पोलर विंड की से ये क्लोरीन के जो अणु होते हैं वो यहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र चलता है। और समताप मंडली बादलों की उपस्थिति था, क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह, ये सबसे सही है। मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का, मीथेन से इसमें नुकसान ऐसा नहीं पहुंचता है ना, ग्लोबल वार्मिंग से तो इसका कुछ रिलेशन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फ्रिजों के में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए फ्रिज में पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी जाती थी, ठीक है, अभी ये अमोनिया, मीथेन, एसिटिलीन। देखिए फ्रिज में वही गैस भरी जाती है जैसे नाइट्रोजन भर दी जाएगी, ठीक है, जो ठंडा कर सके बहुत ज़्यादा। तो अभी मेरेफोन यूज़ हो रहा है, जिसको बोल सकते हैं ना, ये सब फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल, इसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं, ये सब आपको याद करना ही करना है, इसमें कुछ पढ़ाने लायक ऐसा है नहीं। वैज्ञानिकों की निम्न टीम में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया, ये इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, याद कर लीजिएगा, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले पता लगाया था, इनके नाम याद कर लीजिएगा, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, इसी से उन्होंने पता लगाया था। निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन ओजोन होल का पता लगाया था, ये नाम याद कर लीजिए, केंट मूर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ लिया जाएगा फिर से। ये कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो सुमेलित है। नाइट्रिक एसिड नहीं होता, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड नहीं होता, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों को प्रयोग पर नियंत्रण करने, उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग करने, फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कभी कभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देगा, कभी वियना कन्वेंशन देगा, आसान सा प्रश्न है। ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है, हाँ बात सही है, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, हाँ दोनों बातें सही, और आर ए को एक्सप्लेन करता है, ए ऑप्शन सही हो गया इसका। अब देखते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी कि एवरग्रीन, एवरग्रीन क्यों होते हैं बताइए जल्दी से, हमने आपको पढ़ाया है एवरग्रीन मतलब जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग समय पर, मतलब पत्तियां गिरती हैं, हमने आपको बताया भी है अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट के कुछ प्रदेशों में और वेस्टर्न घाट में मिलता है। तो सदाबहार वन वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न कोस्ट पे। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन है तो न्यूनतम संस्तुति भूमि 33%, इसको कंठस्थ कर लीजिए। ये हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी कब बनी थी, ये 1988 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी, उसमें कह दिया गया था कि 33, एक फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में बनी थी, एक्चुअली 33% वाला फंडा यहीं से कह दिया गया था कि आपको अपनी जमीन का 33%, भारत में 33% भूभाग वन क्षेत्र ही रहेगा। अभी फिलहाल कितना है, नया फॉरेस्ट आ गया है डेटा, वो एग्ज़ाम में आएगा भी, मैं आपको अभी एक लेक्चर में वो पढ़ा दूंगा, उसमें 24 पॉइंट समथिंग है, 8,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1% एरिया बढ़ा है पिछले साल से। विषुवती वनों की अद्वितीय विशेषता क्या है, विषुवती वनों मतलब इक्वेटोरियल रोयन फॉरेस्ट की विशेषता क्या है, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, हाँ ये तो हम आपको बताए ना, कंपटीशन करते हैं लोग सनलाइट के लिए तो एकदम ऊंचे तक चले जाते हैं, घने वृक्ष हाँ बहुत घने होते हैं, जिनके किरीट निरंतर वितांत बनाते हों। अब ये किरीट क्या है, मतलब हिंदी तो इतनी मुझे भी नहीं आती, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व तो होता है, हाँ बहुत सब
इतना ज़्यादा यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है कि पेड़ पौधे जानवर बड़े जानवर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे साथ साथ बहुत पास पास रहते हैं और भूमि बहुत दलदली टाइप की रहती है, तो बहुत बड़े बड़े जानवर नहीं रहते, बट रेप्टाइल्स ये सब बहुत रहते हैं। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। ये अधिपादप क्या है? इपीफाइट्स। इपीफाइट्स यही हमने बताया था ना आपको कि जो पेड़ के ऊपर लता अमरबेल लग जाती है, ये अधिपादप बहुत ज्यादा वहां पे मिलते हैं। तो तीनों ऑप्शन आपका सही है। ये आसान सा प्रश्न है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर का क्षेत्रफल 33% कहाँ है? उत्तर ये। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, विचार करिए। निम्नलिखित राज्यों में किसमें उष्ण कटिबंधी आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? उष्ण कटिबंधी मतलब ट्रॉपिकल, आर्द्र मतलब वेट, सदापर्णी मतलब वही एवरग्रीन। हिमाचल प्रदेश में मिलेगा? नहीं मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि ये तो पहाड़ी क्षेत्र में है ना। तो दो को तो काट दीजिए, कहाँ गया? दो कट गया यहाँ से। अब बचता है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। हम आपको बताए हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी प्रदेश हैं उनमें इक्वेटोरियल वाले मिलते हैं, ठीक है? इक्वेटोरियल और मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है वहाँ पे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही अलग नाम ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन या जो भी का आप कह लीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि दोनों ऑप्शन आपका सही है। यहाँ ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल एक तिहाई, वही तो हुआ 1/3 यानी कि 33%, उसी को घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। एक तिहाई आसान सा प्रश्न है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क ये वन का संवर्ग नहीं है। ये क्या है? ये तो बायोडायवर्सिटी को संरक्षण करने का वो है, ठीक है? आप वैसे याद करने के लिए इसको याद कर लीजिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में संरक्षित वन आता है, राष्ट्रीय वन आता है, ग्राम वन आता है और वृक्ष ट्री लैंड आता है। कभी आपने फॉरेस्ट कवर का जब डेटा देखा होगा उसमें आता है फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, उसका मतलब ही यही है, ठीक है? कि ट्री कवर या ट्री लैंड इसमें फॉरेस्ट पॉलिसी में आता है। फॉरेस्ट कवर, राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन ये आएंगे। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। उपग्रह सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों में भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वनों से ढका है? ये पुराना क्वेश्चन है, नए में जितना परसेंट है वो याद कर लीजिए, इस बार आरओ में पक्का पूछा जाएगा। अभी मैं उसको पढ़ा भी दूंगा आपको। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का कितना क्षेत्रफल है, ये भी पुराना प्रश्न है 2011 का। अभी 2017 की जो रिपोर्ट आई है वो हम पढ़ेंगे, हार्डली आज या कल में पढ़ लेंगे उसको, उसी में से पूछा जाएगा। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? एरिया वाइज मध्य प्रदेश अभी भी नंबर वन है, याद रखिएगा। एरिया वाइज एमपी अभी भी नंबर वन है, परसेंटेज में कौन है? मिजोरम है शायद, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, अब 2017 की रिपोर्ट आ गई है उसको हम देख लेंगे। 24.6, अभी ये 24 समथिंग पहुँच गया है। भारत का कौन सा जो जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। कि भारत का कितना भूभाग जंगल है? अभी तो जो नया रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखेंगे, पुरानी रिपोर्ट हम छोड़ देते हैं। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत है? अधिकतम प्रतिशत मिजोरम अभी भी नंबर वन ही है, 2017 के हिसाब से नंबर वन मिजोरम ही है, ठीक है? बार बार वही प्रश्न पूछा जाता है। 2017 की रिपोर्ट हम पढ़ लेंगे। करंट अफेयर्स में फॉरेस्ट पॉलिसी से एक क्वेश्चन पक्का आता है, हम उसको डिस्कस करेंगे अभी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? हिमालय में जल स्रोतों का सूखना। देखिए, डिफॉरेस्टेशन से बारिश कम होती है, जब पेड़ पौधे नहीं रहते हैं तो बारिश कम होती है, इट्स फैक्ट है, याद रखिए। प्रश्न पूछा है आपसे, नहीं होता है। हाँ, जल स्रोतों का सूखना, जब बारिश ही नहीं होगी तो बर्फ कैसे बनेगी? बर्फबारी ही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होता है, ये भी प्रभाव नहीं है। ये प्रभाव मतलब है जैव विविधता की, यानी बायोडायवर्सिटी खत्म होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो कौन वहाँ रहेगा। निर्वनीकरण का प्रभाव नगरीकरण और मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन तो होता ही है, जब फॉरेस्ट नहीं रहते हैं या पेड़ पौधे नहीं रहते हैं तो मिट्टी का बहुत क्षरण होता है। नगरीकरण, नगरीकरण डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव नहीं है, बल्कि नगरीकरण का प्रभाव डिफॉरेस्टेशन है। बहुत ज़्यादा सिटीज बन रहे हैं तभी तो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। नगरीकरण का प्रभाव निर्वनीकरण है, निर्वनीकरण का प्रभाव नगरीकरण नहीं है।
बात समझ लीजिए आप ये। फिर 2015 की रिपोर्ट का डाटा पूछ लिया है, हम 2017 की रिपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। भारत में अति सघन वनों का क्षेत्रफल जिस राज्य में पाया जाता है वो है, देखिए अभी इसमें देखिए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। यूपीपीसीएस प्री 2011 का ये प्रश्न है, अति सघन वनों। अब जब फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है तो उसमें तीन चार क्लासिफिकेशन आता है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, ट्री कवर। उसमें इंडिविजुअल में जा जा करके होता है कि नंबर वन कौन सा राज्य है, नंबर दो कौन सा राज्य है। तो इतना टफ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है नहीं, और ना तो इतना तैयारी करने का कोई तुक बनता है कि एक तो याद ही नहीं रहेगा आपको कि वेरी डेंस कहाँ मिलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी जब स्ट्रांग रहेगी आपको ये पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे मॉडरेट ट्री होते हैं यहाँ पे, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज इस तरह के टफ क्वेश्चन को आप छोड़ ही दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य संघ क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है, वही परसेंटेज पूछ लिया है फिर से। मिजोरम, आसान सा प्रश्न है, वन नवीनीकरण संसाधन है। हाँ ये रिन्यूएबल तो है ही, फॉरेस्ट ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, अब आप यानी कि दोनों सही हो गए, ये ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या आर ए की व्याख्या करता है। देखिए ए कथन क्या है, वन नवीनीकरण संसाधन है, बात सही है, नवीनीकरण संसाधन है, पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं इसलिए थोड़ी नवीनीकरण संसाधन है, नवीनीकरण संसाधन होने की वजह से पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। यानी कि ए जो है एक्सप्लेनेशन है आर का, आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ क्या पूछा है कि आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, नवीकरण संसाधन है इसलिए वो पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र, ये फिर वही फॉरेस्ट डेटा से प्रश्न पूछा गया है, नया वाला डेटा हम पढ़ेंगे उसमें से एक प्रश्न आएगा, अभी के लिए इसको आप छोड़ सकते हैं। अब ये तो आसान ही प्रश्न है ना, नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, नहीं, परसेंटेज में मिजोरम अभी भी है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पश्चिमी घाट में, बहुत कहाँ है, पश्चिमी तट, देखिए पश्चिमी तट है लिखा है ये पश्चिमी, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी तट का मतलब होता है वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी घाट नहीं लिखा है, वेस्ट कोस्ट पे तो, कोस्ट पे तो है ही नहीं वृक्ष, और ना ईस्ट कोस्ट पे वृक्ष है, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पे पेड़ पौधे नहीं है, उत्तरी मैदान, और अब बचता है आपके पास पूर्वी दक्कन में। अगर यहाँ पे पश्चिमी घाट और ये लिखा होता तब ये ऑप्शन सही होता, पूर्वी घाट डेक्कन में या उत्तरी मैदानी क्षेत्र में। अब आपको जब फॉरेस्ट पॉलिसी का पता रहेगा कि फॉरेस्ट रिपोर्ट का कि एमपी में ज़्यादा था, एमपी में सर्वाधिक था, फिर छत्तीसगढ़ में काफ़ी फॉरेस्ट है, उड़ीसा में काफ़ी फॉरेस्ट है, आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट है, तेलंगाना सूखा क्षेत्र है, तेलंगाना में तो उतना फॉरेस्ट नहीं है, और उत्तरी मैदानी क्षेत्र में यानी कि उत्तरी मैदानी क्षेत्र में कौन कौन आता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर तो आदमी ज़्यादा है, वृक्ष थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो पूर्वी दक्कन इसका आसान सा प्रश्न है, लॉजिक लगाएंगे तो हो जाएगा, बट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पहली बार देखने पर मुझे भी लगा कि ये वेस्टर्न घाट लिखा हुआ है। प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है, ये बात तो सही है, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। ये क्लास सिक्स की एनसीईआरटी में हूबहू, सिक्स या सेवन की एनसीईआरटी में पहले चैप्टर के पहले पेज पे लिखा हुआ है कि रिसोर्स वो हैं जिनको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, प्रौद्योगिकी, और उनकी लो कॉस्ट होती है, वो प्रॉपर रिसोर्स हैं। तो यानी कि दोनों ऑप्शन आपके ए और आर सही हैं, तो ए और आर सही वाले ए और बी बनते हैं। अब ये सवाल उठता है क्या आर की व्याख्या करता है, तो आर क्या है, कहता है आर कहता है कि प्राकृतिक वास्तविक प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जिनका प्रौद्योगिकी उत्पादन लागत पर विकास निर्भर है, और यहाँ क्या बोलता है, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। देखिए आर ए की व्याख्या नहीं करता है इंडिविजुअल, ना ए आर की व्याख्या करता है, इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट आपस में सही हैं, ऑप्शन आपका ए और ये कथन कारण। इस तरह का एक आध दो प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से करिएगा, ये प्रश्न तब आसान हो जाता है जब इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत हो जाए।
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में हो, तो ये 2005 का प्रश्न है। अभी में जो परसेंटेज में पूछा जाएगा वो 2017 का डेटा, वो हम आएगा तो पढ़ेंगे, आ गया है, मतलब अभी एक दो लेक्चर में पढ़ लेंगे। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनीकरण का प्रतिशत, अभी 2017 की रिपोर्ट में हम इसको सब पढ़ेंगे प्रॉपरली, पूरी फॉरेस्ट रिपोर्ट को कायदे से पढ़ेंगे। नेशनल रिमोट सेंसिंग, इनमें से क्षेत्रफल सर्वाधिक वन आच्छेदित क्षेत्र है। राज्यों में इसमें देखिए मिजोरम तो दिया नहीं है, यानी कि मिजोरम के आगे चार पांच स्टेट हमको क्रोनोलॉजिकली पढ़ना पड़ेगा बढ़ते से घटते क्रम में, तभी इस तरह के प्रश्न हल हो पाएंगे। अभी 2017 का डेटा हमें पढ़ना है। निम्नलिखित राज्य समूहों में किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। कुछ ऐसे राज्य हैं 75% से ऊपर है जहाँ पर, जैसे मिजोरम है, अरुणाचल है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत